एवरीबॉडी, मैं शिवानी रियल रिव्यू वाली आज रिव्यू में लेके आ गई हूँ प्लांट्स स्टैंड्स। एंड ये देखिए इतना बड़ा पैकेज है, इसमें 4 पीसेस हैं। लेट्स ओपन द पैकेजिंग। मिंत्रा से मैंने परचेज किया है, प्राइस इसका है 702 रुपीज और इस टाइम इसका प्राइस बढ़ गया, 819 हो गया है। मैंने कूपन्स यूज किए थे जिसकी वजह से ये मुझे थोड़ा सा कम रेट में पड़ गया था। तो आप लोग भी अगर अच्छा निकलता है प्रोडक्ट, मैं ओपन करके देख रही हूँ, अगर ऑर्डर करें तो कूपन ज़रूर यूज करें जिससे कि आपके रुपए बच सकते हैं। देखते हैं, इसमें आपको 7 डेज की रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी मिल रही है। रेटिंग इसकी 4.1 है। परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी प्रोडक्ट मैंने बाहर नहीं निकाला लेकिन मेरे को दिख रहा है और काफ़ी ठीक लग रहा है। मुझे लगता है कि इस पे प्लांट्स आराम से आ जाएंगे और ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसका जो मेटल है वो काफ़ी अच्छा है। मैं इसको फाड़ने वाली हूँ क्योंकि मेरे से ये ऐसे नहीं निकल पाएंगे। तो अब प्रोडक्ट आपके सामने आने वाला है। सी अनबॉक्स तो कर दिया मैंने, अनबॉक्स क्या फड़बॉक्स कर दिया, इसको बाहर ही निकाला गया है। इसके साथ में कोई स्लिप नहीं दिख रही है मेरे को। इतना स्लिप के आया है ये प्रोडक्ट। इसकी जो मेटल है वो काफी अच्छी मेरे को लग रही है। तो देखिए प्रोडक्ट आपके सामने है। ये इसके साथ एक छोटा सा पाउच मिला है जिसमें कि इसके नीचे लगाने के लिए दे रखे हैं जिससे कि निशान ना पड़े। ये आप देख सकते हैं इस तरह से है और इधर से ऐसे है। प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। अभी हम इसके ऊपर प्लांट्स भी रख के देखेंगे। मेरे यहाँ प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े हैं तो इससे इसकी स्ट्रांगनेस का भी पता लग जाएगा। इस प्रोडक्ट में क्लेम किया गया है कि इस पर आप 70 केजी तक वेट रख सकते हैं। वैसे इस पर दो ही आ पाएंगे। मेरे जो प्लांट्स हैं काफ़ी बड़े हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4 क्लिप्स आपको लगा के दिखा देती हूँ जो इसमें स्टैंड में लगाने के लिए दी गई हैं। बैक कैमरा कर लेती हूँ ताकि आपको स्टैंड भी ठीक से दिखा पाऊँ और क्लिप कैसे लगानी है वो भी दिखा पाऊँ। स्टैंड में लगाने के लिए ये जो दे रखे हैं इनको इस तरह से लगाना है, जिस साइड होल है इस साइड से इसको इसमें लगा देना है। आराम से लग रहा है तो देखिए इधर साइड से ऐसा हो जाएगा जिससे कि स्क्रैचेस वगैरह नहीं बढ़ेंगे। और मैं अब आपको दिखा देती हूँ 4 के 4 स्टैंड्स, 1, 2, 3, 4 एंड इतनी क्लिप्स बच भी गई हैं इसमें। चारों को एक साथ देख लीजिए आप। वीडियो में आपको जो साइज दिख रहा है साइज सेम ही है। अब मैं इनको सीधा कर देती हूँ और सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले ये बची हुई क्लिप्स को मैं रख देती हूँ ताकि अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो इनको यूज कर लिया जाए। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये सीधी तरफ से स्टैंड है और काफ़ी बढ़िया है। अब चलते हैं टेरिस पे और इन पर प्लांट्स रख के देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 3 स्टैंड यहाँ पर लगा दिए हैं और उन पर ये काफ़ी भारी भारी रख दिए हैं। आराम से रखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इनका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है मुझे, जैसा कि साइट पे दिखाया गया है, और उतने स्ट्रांग भी नहीं है। फ़ोटो डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें जो लगा हुआ है मेटल ये बहुत ही पतला है और ये देखिए
नीचे वाले जो इसके हैं ये भी काफ़ी पतले हैं, जो यहाँ पर नीचे सपोर्ट के लिए हैं। आप इमेज में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा दिखेगा। अगर बात की जाए कि मैं इनको कितनी रेटिंग दूंगी, इन स्टैंड्स को मैं अगर रेटिंग की बात की जाए तो 5 में से 3.9 रेटिंग दूंगी इनकी क्वालिटी के हिसाब से। स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैंने ज़्यादा भारी वाले प्लांट्स भी इस पर नहीं रखे हैं जैसे ये बड़े बड़े वाले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर हमने रख दिए ना इस पर तो हो सकता है ये ख़राब हो जाए, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही हूँ। और अभी एक स्टैंड बचा हुआ भी है, वो ये रखा है, इस पर भी अभी मैं आपको प्लांट रख के दिखाती हूँ। मैं आपको प्लांट्स में पानी डालकर भी दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाए कि इनके नीचे से मिट्टी वगैरह ठीक से निकल रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ और मिट्टी अपने आप से नीचे से इनके जो है वो निकलती चली जा रही है। तो इस चीज़ में भी ये पास हो गए। जैसे अभी आप यहाँ पर डिफरेंस भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला जो प्लांट है इसमें मिट्टी सारी यहाँ पर ही रुकी हुई है और यहाँ पर देखिए इकट्ठी हो गई है, और यहाँ पर ये स्टैंड में जो लगे हुए प्लांट्स हैं इनके नीचे से मिट्टी आराम से निकल रही है। तो यहाँ पर जो गंदगी भर जाती थी, जो प्लांट्स पहले रखे थे उनके निशान भी बन गए हैं, अब वो दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्टैंड पे रखे हुए हैं प्लांट्स। तो एक स्टैंड यहाँ पर रखा है, 3 तो वहाँ रख दिए हैं, तो इस पे भी पानी लगा देती हूँ। आपको एक बार पूरा व्यू दिखा देती हूँ स्टैंड्स पर रखे हुए प्लांट्स का। तो एक स्टैंड ये है और बाकी वो 3 स्टैंड है जिन पे प्लांट्स रखे हैं। अब एक टेस्ट और रह गया, वो भी कर लेते हैं, इसके नीचे झाड़ू ठीक से लग पाती है या नहीं। तो झाड़ू आराम से जा रही है, लेकिन झाड़ू थोड़ी सी ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी पड़ गई, लेकिन हाँ ये है कि कूड़ा आराम से निकल जाएगा और पानी वानी जो पेड़ों के नीचे रह जाता है वो आराम से निकल जाया करेगा। लेकिन अगर बात की जाए इसकी ऊंचाई की, तो फोटोज़ में इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा लग रही थी लेकिन इसमें ऊंचाई कम है। बाकी प्रोडक्ट ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट ओके मैं रिटर्न तो नहीं कर रही, इतना बेकार भी नहीं है। सो, इस वीडियो के बाद में मैं इसको रेटिंग देने वाली हूँ 3.9, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं जल्द ही स्टैंड्स और परचेज़ करने वाली हूँ, वो मैंने फ़्लिपकार्ट पर देखे थे, उनकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी सेम ही लग रही थी मुझे, और वो 600 रुपीज़ के पड़ रहे थे, तो मुझे लगता है कि इसमें 100 रुपीज़ ज़्यादा ही पड़ गए। लेकिन रिटर्न करने का मेरा मन नहीं है क्योंकि आने में भी इनको 6 से 7 दिन लगे हैं और दिवाली भी जल्द आने वाली है, मुझे अभी प्लांट्स वगैरह पे कलर भी करना है। सो, जब वो वाले स्टैंड में और परचेज़ करूँगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, और बाकी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। जो प्रोडक्ट्स मैं परचेज़ करती हूँ उनके रिव्यूज़ ज़रूर आपको देती हूँ। मिलूंगी आपसे जल्द ही। बाय बाय।